Now, if you go to the site that is mumbai.11thadmission.org, within this आपको लॉगिन और पासवर्ड करके आपको पता ही है दैट यू हैव टू गेट इनसाइड एंड देन यू हैव टू पुट योर मार्क्स, आपको आपके मार्क्स पुट अप करने हैं, बट जो एसएससी जिसने बच्चे ने दिया है उनको मार्क्स ऑलरेडी रिटर्न रहेगा, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. फॉर आईसीएसई एंड सीबीएसई स्टूडेंट्स उनको उनका मार्क्स लिखना पड़ता है, ठीक है. देन यू हैव टू चूज वेदर यू वांट टू चूज साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड वेदर यू वांट टू गो फॉर बाईफोकल और नॉट, ठीक है. सो वो सारे चॉइस करेंगे, बाईफोकल यानी कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको बाईफोकल बोलते हैं, ठीक है. तो ये सारी चीजें चूज होने के बाद आपको कॉलेजेस के लिस्ट नाम चूज करने. तो कॉलेजेस के नाम कैसे चूज करने बता दो. आपको लेफ्ट साइड पैनल पे एक सर्च आएगा, वो सर्च के ऊपर आपको कॉलेज का एक्चुअल नाम पता रहेगा, तो आप वो नाम पुटअप करो. जैसे ही आप वो नाम पुट अप करोगे आपको उस कॉलेज के रिलेटेड जितने भी सीट्स है वो सब सामने दिखेंगे, एडेड, अनएडेड, बाईफोकल वगैरह, वो सारे सीट्स दिखेंगे. फिर आपको उसमें से चूज करने का है, ठीक है. तो आपको चूज करते वक्त आपको क्लिक करना है, ओके. नाउ व्हेनेवर यू आर मेकिंग अ लिस्ट द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इज आप टॉप टू बॉटम लिस्ट बनाओ, यानी वो कॉलेजेस जिसमें आपको मतलब चाहिए या नहीं चाहिए, और जो कॉलेजेस में आप सिर्फ ऐसे बैकअप के लिए आप रख रहे उनको नीचे रखो. तो नंबर वन से नंबर टेन वैसे आपको चूज करना है, आपका चॉइस है. आपको एक कॉलेज चूज करना है, आपको दस कॉलेज चूज करना है, मिनिमम वन इज नेसेसरी, ठीक है. तो आपको दस कॉलेजेस के नाम्स पुट अप करने हैं. नॉर्मली एडवाइस ऐसे रहता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप साइंस ले रहे और आपको जय हिंद में जाना है और आपको चांस कम लग रहा है जय हिंद में, और आप विल्सन का आपको लग रहा है विल्सन में मिलेगा, तो आप जय हिंद पहले पुटअप करो नंबर वन पे, ठीक है. नंबर वन पे जय हिंद पुटअप करो ताकि पहला नाम वही चेक होना चाहिए, ठीक है. फिर आपका सी ऐसा नहीं होता है कि सब स्टूडेंट्स का पहला नाम चेक होता है, फिर सब स्टूडेंट का सेकेंड नाम चेक होता है, फिर सब स्टूडेंट का थर्ड नाम, ऐसे प्रोग्राम वर्क नहीं करता. प्रोग्राम आपके रैंकिंग के हिसाब से वर्क करता है. आपका जो रैंक रहेगा फिर आपके सारे कॉलेजेस चेक होंगे, उसमें आपको जो कॉलेज आएगा वो कॉलेज का सीट आपको मिलेगा, अगर वो कॉलेज में सीट अवेलेबल है तो. तो इसलिए एडवाइस ये रहता है कि आपका कॉलेजेस सेपरेटली चेक होता है, इसलिए आप सबसे फर्स्ट कॉलेज वो पुट अप करो जिसमें आपको चांस कम लग रहा था पर आपको जाने का मन कर रहा है, ठीक है. लाइक कॉमर्स स्टूडेंट को अगर एचआर में जाना है, ठीक है, और उसको पता है कि उसको एचआर में मिलना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, तो उसने पहले जय हिंद पुट अप कर दिया है और वो चाहता है कि अभी एचआर के लिए ट्राई भी करे, तो नंबर वन पे पहले एचआर पुट अप करना है और फिर नंबर टू पे जय हिंद पुट अप करना है. उससे ये रहेगा कि आपका अगर एचआर में सीट पॉसिबल है तो आपको वो मिलेगा, नहीं हुआ तो भी नेक्स्ट वाला एचआर के बाद जय हिंद या केसी इन में से आपका चॉइसेस आते जाएगा. आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस पार्ट, ठीक है. तो व्हेनेवर यू आर फिलिंग द नेम्स, अनदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, फॉर एग्जाम्पल अगर एडेड और अनएडेड में फीस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कॉमर्स वालों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, फीस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है एडेड अनएडेड में, तो आपको एडवाइज है आप पहले अगर एचआर का एडेड डाल रहे हैं तो उसके बाद एचआर का ही अनएडेड डालो, ठीक है. साइंस वालों में फीस का बड़ा डिफरेंस रह सकता है, जैसे 7-8,000 का फीस का डिफरेंस रह सकता है, ठीक है. कॉमर्स में 2-3,000 का ही डिफरेंस रहेगा. सो इन दैट केस साइंस वालों के लिए पहले एडेड फिर अनएडेड डालना है क्या नहीं डालना है वो आपको चॉइस करना है, डिपेंडिंग अपॉन द फीस, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट्स दैट आर अलॉटेड. आपको वो सब देख के फिर आपको एडेड अनएडेड पुट अप करते जाना, ठीक है. यस, एनी क्वेश्चंस टिल हियर? नो सर. ओके, नाउ दूसरा इंस्ट्रक्शन है, मतलब ये साइट के ऊपर कुछ बेस्ट पार्ट अवेलेबल है जो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ. यहाँ पे एक पार्ट अवेलेबल है सर्च जूनियर कॉलेज इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल आपको मुंबई साउथ मुंबई जो चर्च गेट है, साउथ मुंबई का चर्च गेट के कॉलेजेस का आपको इंफॉर्मेशन चाहिए. यहाँ पे मैंने ऑल कॉलेजेस ही रखा हुआ है. आई सबको सबको स्क्रीन दिख रहा है जो शेयर किया है. मुंबई आपको सर्च में जाना है, उसमें जूनियर कॉलेज में जाना है, उसके अंदर आपको मुंबई महानगर पालिका का महानगर का मुंबई साउथ चूज करके चर्च गेट कॉलेज और ही रखो. स्ट्रीम फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर चूजिंग फॉर साइंस स्ट्रीम, तो मैंने यहाँ पे साइंस पुट अप किया है. स्ट्रीम स्टेटस
आपको एडेड, अनएडेड या फिर ऑल, आप ऑल भी रख सकते हैं, ठीक है। मीडियम इंग्लिश ही होता है, आप भी जब फॉर्म भरने वाले हैं उसके अंदर मीडियम इंग्लिश ही रखना, साइंस और कॉमर्स दोनों इंग्लिश मीडियम का ही होता है। आर्ट्स में एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है हिंदी और मराठी मीडियम, ठीक है। सो प्लीज साइंस और कॉमर्स इंग्लिश में ही रखना, ठीक है। मीडियम और इंस्ट्रक्शन शुड बी इंग्लिश। माइनॉरिटी वगैरह अगर आपने फिलअप नहीं किया तो भी चलेगा, ठीक है। बाइफोकल वो आपको चॉइस है, आपको रखना है तो रखो। मेजर सब इसमें आ गया, आप जैसे ही सर्च पे क्लिक करोगे, आपने जैसे ही सर्च पे क्लिक किया तो आपको नीचे कॉलेजेस के लिस्ट आएंगे जो उधर अवेलेबल है, चर्च गेट में, एग्जैक्ट चर्च गेट में अवेलेबल है। सो दीज आर द कॉलेजेस विच आर अवेलेबल, जय हिंद एंड केसी, ये साइंस टीम है, इसके लिए ये कॉलेजेस आया। अगर मैं कॉमर्स होता तो एच आर भी आता था। आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस। नाउ अगर मैंने यहाँ पे मोर डिटेल्स में क्लिक किया ना, तो ये मोर डिटेल्स में आपको पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शंस आ जाएगा दैट साइंस के लिए देर आर 600 सीट्स इन जय हिंद कॉलेज, ठीक है। देयर इज अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। बाइफोकल के लिए, मतलब आपने बाइफोकल भले क्लिक नहीं किया था, आपने ऑल लिखा था, कंप्यूटर साइंस के लिए देयर आर 75 सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 75 सीट्स, कॉमर्स के लिए 600 सीट्स, आर्ट्स के लिए 240 सीट्स, ओके। आपने पूरा का पूरा आपको इंफॉर्मेशन यहीं पे आ रहा है, ठीक है ना। विद इन दैट अगर आप मोर डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फीस के साथ सब कुछ लिख के आ रहा है, ठीक है। ऑफरिंग आईटी सब्जेक्ट, अगर जय हिंद कॉलेज ऑफर करता है तो यहाँ पे लिख के आएगा यस या फिर नो, ठीक है। सो यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए 600, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे लिख के आ रहे हैं, ओके। यहाँ पे फ्रेंच के लिए कितना सीट है वो भी लिखा है। नेक्स्ट कंप्यूटर साइंस, आईटी सब्जेक्ट यहाँ पे ऑफर नहीं हो रहा है फॉर साइंस स्टूडेंट्स, बट साइंस स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर साइंस अवेलेबल है, दैट इज 75 सीट्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 75 सीट्स है, फीस इज 25,000, ओके। ये उसका इंफॉर्मेशन है। अज्यूम कर आपको कट ऑफ चेक करना है, तो साइंस स्ट्रीम के लिए क्या कट ऑफ है, लास्ट ईयर का कट ऑफ इज 418 ना, 418, एक मिनट, उनको तो पता रहेगा 418 कितना होता है। That is 83% का कट ऑफ दिखा रहा है, ठीक है। बट प्रोबेबली ये सेकेंड या थर्ड लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट के बारे में है, क्योंकि थर्ड लिस्ट तक काफी कम हो गया था। कंप्यूटर साइंस के लिए कट ऑफ, ये कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ है, विच इज 460, ओके। तो अगर आप नोटिस करना है, आपको यहाँ पे सब चीजों का इंफॉर्मेशन मिलने वाला है, ओके। लाइक केसी का अगर आपको चेक करना है, दिस इज केसी इंफॉर्मेशन अबाउट साइंस, अगर आप चेक करोगे, सो कट ऑफ इज 429, स्पोर्ट्स वालों के लिए 226 का कट ऑफ था, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। फिर केसी में आपको 600 सीट से टोटल, उसमें आईटी इज ऑफर्ड, केसी में आईटी अवेलेबल है, एंड कंप्यूटर साइंस के लिए 80 सीट से, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 90 सीट से, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, फीस भी यहाँ पे लिखा हुआ है, फीस इज 26,000, ओके। सो ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। समझो यहाँ पे आपने साइंस के बदले कॉमर्स चूज किया, एंड मैं अगर सेम प्लेस ही रख रहा हूं, तो आपको कॉमर्स के रिलेटेड उसी एरिया में के जितने कॉलेजेस अवेलेबल है वो सब आएंगे, ठीक है। लाइक यहाँ पर सिद्धम कॉलेज भी है और एचआर कॉलेज, ये दो कॉलेजेस नए ज्वाइन हुए हैं, मतलब उधर दिख रहा है, ओके। नाउ कॉमर्स के लिए, ये दिस इज फॉर एचआर कॉलेज, एचआर कॉलेज में कॉमर्स के लिए देयर आर 960 सीट्स। इफ आई गो टू मोर डिटेल्स, मोर डिटेल्स में आईटी सब्जेक्ट्स इज ऑफर्ड, फीस सिर्फ 1200 रुपया फीस है। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब सब्जेक्ट्स का एक्सप्लेन किया है, हाउ मेनी सीट्स आर अवेलेबल इन विच सब्जेक्ट। उसके अंदर आपको कुछ दूसरे सब्जेक्ट, नए सब्जेक्ट्स भी दिखेंगे, कोऑपरेशन, आईटी का सीट्स है, एंड फ्रेंच का सबसे ज्यादा सीट्स है इधर, ठीक है। सो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट एचआर। फिर एचआर का अगर मैं कट ऑफ चेक करूं,
तो 462 कट ऑफ है, 462 इज हाउ मेनी परसेंटेज, कैन एनीवन टेल? मुझे भी यहां पे गिनना पड़ेगा, 92.40, सो दैट इज द कट ऑफ ऑफ एचआर कॉलेज. ओके, दूसरा है सिडनम कॉलेज, दिस इज फॉर कॉमर्स. Now Sydenham College is another good college, but the only problem is because of certain subjects which are not offered, the commerce student doesn't go. Like कौन सा subject offer नहीं हो रहा है यहाँ पे, notice करिए, offering IT subject no है, as well there is no French also offered. ठीक है, so it is plain commerce. Okay, but it is a good college and it is near the station itself. There are total 240 seats. ठीक है, दूसरा अगर कॉमर्स की मैं कंटिन्यू करूं बात, तो SNDT कॉलेज, दैट इज थोड़ा थोड़ा सा चल के जाना है, दिस इज फॉर कॉमर्स. कॉमर्स के लिए क्लोजिंग 345 है. ठीक है, आईटी सब्जेक्ट है क्या नहीं चेक करके बता रहा हूँ, नहीं आईटी सब्जेक्ट इज नॉट प्रोवाइडेड, एज वेल एज फ्रेंच इज ऑल्सो नॉट प्रोवाइडेड. ओके, बट हाँ ऑब्वियसली SNDT इज अ गर्ल्स कॉलेज, और इनके मतलब SNDT में के बेटर रहेगा अगर सिडनम आपको चूज करना है, ठीक है, रादर देन SNDT. ओके, ये समझ में आ गया आपको? तो ये आपको सब इंफॉर्मेशन सर्च में मिलेगा, आपको साइंस वगैरह सब सब कुछ इसके बारे में, स्ट्रीम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा. नाउ इफ आई कम टू द नेक्स्ट कॉलम ओवर हियर, नो योर एलिजिबिलिटी. नाउ दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, नो योर एलिजिबिलिटी. ठीक है, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू दैट. साइंस है, अभी आपने इक्विवेलेंट मार्क्स, मतलब समझो आपको 420 मार्क्स आया है, ये मैंने अज्यूम किया हुआ है मार्क्स. ठीक है, मैं साइंस टीम चूज कर रहा हूँ. मार्क्स रेंज, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, उन्होंने मार्क्स रेंज दिया हुआ है. नाउ मार्क्स रेंज का मतलब 420 के ऊपर और नीचे इतने मार्क रेंज में आपको कौन सा कॉलेजेस चॉइस मिल सकता है. ठीक है, तो अगर मैंने देखो, अभी आपके पास मेजर मैक्सिमम मार्क्स रेंज यहाँ पे 25 है. 25 मार्क्स रेंज का मीनिंग होता है आपका मार्क्स 420 है, 420 के ऊपर 25, 420 के नीचे 25. ये कैलकुलेट करके, यानी 445 से लेके 395 मार्क्स वाले जितने भी कॉलेजेस है उनका लिस्ट आपको सामने है. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दैट इज देयर. ओके, नाउ आई एम कीपिंग अ वेरी स्मॉल मार्क्स रेंज, मैं 10 मार्क का ही रेंज रख रहा हूँ. ठीक है, देयर इज नो स्पेशल रिजर्वेशन, बायफोकल वगैरह में कुछ चूज नहीं कर रहा हूँ. मीडियम ऑब्वियसली इंग्लिश ही रहेगा, जेंडर मेल. ठीक है, फीमेल, ये जेंडर क्यों आया है? बिकॉज SNDT में गर्ल्स कॉलेज है, दैट्स द रीजन वो जेंडर कॉन्सेप्ट आया. ठीक है, सोशल रिजर्वेशन, प्लीज सिलेक्ट सोशल रिजर्वेशन, जनरल है. ठीक है, मतलब SC ST वगैरह कुछ नहीं है. ओके, नाउ मैंने सिर्फ 10 मार्क का रेंज रखा था, बिकॉज ऑफ दैट आई एम हैविंग लेस कॉलेजेस ऑप्शन ओवर हियर. एक ही प्रॉब्लम है इसके अंदर, है ना, ऑल ओवर मुंबई का कॉलेजेस आता है, यानी आपका सेंट्रल, हार्बर लाइन, वेस्टर्न लाइन सब आता है, तो इसमें आपको सर्च करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत आएगा. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे पहला नियरेस्ट कॉलेज मुझे दिख रहा है भवंस कॉलेज. तो ये भवंस कॉलेज का क्लोजिंग है, नोटिस करिए, ओपन का क्लोजिंग 410 है. ठीक है, तो आपको अगर चॉइस करना है तो आप ये वाला एक पोर्टल का यूज करके पहले आप चूज कर सकते हैं कि आपको ये रेंज के अंदर का मैं कॉलेजेस पहले चेक करूं. ठीक है, कौन सा कॉलेजेस है. ओके, दोस्त हुआ चूजिंग साइंस, प्लीज एक इंस्ट्रक्शन है, कुछ कॉलेजेस है जैसे पेस, फिर ये दो चार पांच कॉलेजेस है जो फॉर एग्जांपल महिंद्रा ईस्ट का मदर मैरी कॉलेज. ठीक है, इनकी क्लोजिंग भी आपको 460 पे नजर आएगी, दैट इज बिकॉज दे आर इंटीग्रेटेड कॉलेजेस. तो आपको वो कॉलेजेस निकाल के ही आपको काम करना है, जैसे एक SVP कॉलेज है दहीसर का, ये फिर पेस वाले का खुद का ही इंटीग्रेटेड चलता रहता है साइंस में, एज वेल एज ये मदर मेरी है, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है बोरुली में है. तो ये लोग का क्लोजिंग 90 का अबव है, ऐसे उस कॉलेज में कुछ सिखाते नहीं कुछ नहीं, बट वाई दे आर 90 अबव, बिकॉज इट इज एन इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट. सो बेस्ट इज कि आपको वो कॉलेजेस का जानकारी होना चाहिए कौन सा ये कॉलेजेस नहीं रखना है. ठीक है, इंटीग्रेटेड वाले कॉलेज में अननेसेसरी आपको फीस ज्यादा मिलेगा. ओके, तो प्लीज वो कॉलेजेस आप चूज मत करना. तो आप जब ये कर रहे हैं तभी आप इंटीग्रेटेड का कॉन्सेप्ट समझ के आप करना. कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, दे कैन इजिली यूज दिस पोर्टल, बिकॉज उसमें इंटीग्रेटेड वगैरह नहीं होता है.
इफ आई गो बिलो देर आर अदर कॉलेज, यहाँ पे आप चेक करो, जय हिंद कॉलेज आ गया चर्च गेट का, केजे सो में सेंट्रल में, सो प्लीज डोंट चूज दैट. दिस इज केसी कॉलेज चर्च गेट, दिस इज मिठीबाई कॉलेज. ठीक है, मिठीबाई कॉलेज का अगर आपको क्लोजिंग चेक करना है 960 सीट से 419 इज द क्लोजिंग. ठीक है, और एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी आएगा, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी दिया नहीं है ऐसा, ये है क्या पीएच क्या होता है, एनीवन हैज एनी आइडिया पीएच? स्पोर्ट्स का दिया है, पीएच दिया है, मेरे ख्याल से फिजिकली हैंडीकैप्ड रहेगा वो. उसमें लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दिया नहीं था क्लोजिंग. फिर दिस इज रॉयल कॉलेज मीरा रोड, अगर उसका क्लोजिंग देखेंगे तो इट इज रिटन 423 364 350. ये वाला दहीसर वाला, ठीक है, आप ये नोटिस कर रहे हैं दहीसर का एसवीवी कॉलेज द क्लोजिंग इज फार हाई, एंड ये क्लोजिंग इतना हाई इसलिए दिखा रहा है बिकॉज इनका इंटीग्रेटेड कोर्सेज के साथ रहता है. ओके, दिस इज साटे कॉलेज, वन ऑफ द गुड कॉलेज, दिस इज 422. Okay, so I hope you have some idea. This is Francis College. Intake is 80. General, it says general. मतलब ये पे ना religious minority का कुछ कोटा वगैरह का कुछ दिया नहीं है. Religious minority और linguistic minority के marks दिए नहीं है. ठीक है, आपको उसके बदले ही यहाँ पे समझना पड़ेगा. ठीक है, so these are certain colleges. नेक्स्ट, अगर नो योर एलिजिबिलिटी में मैं क्लिक कर रहा हूँ, आई एम गोइंग फॉर कॉमर्स, इफ माई मार्क्स इज अज्यूम 400, सेम मार्क्स रेंज रख रहा हूँ, सोशल रिजर्वेशन, इसमें भी बाइफोकल होता है बाय द वे, जैसे कुछ ओसी सब्जेक्ट के बदले आपको दूसरा सब्जेक्ट मिल जाएगा. ठीक है, लेट मी सी, नहीं इसमें नहीं दिया, नहीं बाइफोकल नहीं है, कॉमर्स में नहीं है बाइफोकल, मीडियम इज इंग्लिश, जेंडर मेल. आपको 400 के क्लोजिंग के नियरेस्ट कॉलेजेस कौन सा है, 10 मार्क्स का ही मैंने रेंज रखा हुआ है. दिस इज हिंदुजा कॉलेज, this is 402, ठीक है, closing is 402, 402 यानी कितना percentage हो गया, 80% right? Is it? Yes sir. Okay, this is KES College कांदिवली का, इसका भी closing 402 है, ठीक है, and बाकी सारे caste quota is there, so those who are applying इनको caste certificates है. They can apply in this college, KES College. Then there is Mithibai College. No, this is not Mithibai College. By the way, it is Mithibai, but this is called as MMK College. ये National College के बाजू में है, Bandra का. Okay, so please don't get confused with the name. This is actually MMK College. इसलिए आप जगह पे concentrate करना. It is written Bandra West. MMK कॉलेज का क्लोजिंग इज 392. यहाँ पे भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी सिंधी माइनॉरिटी है. नेक्स्ट, ओके, सो ये कॉलेज, ये मार्क्स रेंज में ये कॉलेजेस आए हैं. ठीक है, अगर मैं मार्क्स रेंज इंक्रीज करता तो प्रोबेबली HR कॉलेज और दूसरे और कॉलेजेस भी दिखाई देते. आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस. यस सर, यस सर, यस सर. Okay, this is 399. ठीक है, so you can get all this information over here. Yes. Other than this, search, know your eligibility. उसके अलावा यहाँ पे कट ऑफ लिस्ट है. You can go through that cut off list.
आप डाउनलोड करो और बाद में ओपन करो, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे ओपन करना। इधर से सर्च करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, यहाँ पर सर्च करना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ेगा। सो जस्ट एन एडवाइस, ये वाला यूज करने से अच्छा है आप यहाँ पे जूनियर कॉलेज, ठीक है, यहाँ पर से आप सिलेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्ट्रीम इंफॉर्मेशन सिलेक्ट कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रीम इंफॉर्मेशन सिलेक्ट करूं, सो अगर मेरे को साइंस स्ट्रीम के इंफॉर्मेशन चाहिए, इंग्लिश मीडियम, ये सर्च में ही मैंने गया हूं, सर्च में स्ट्रीम इंफॉर्मेशन में गया हूं, स्टेटस अज्यूम मेरे को अनएडेड चूज करना है, अनएडेड वाले सब कॉलेजेस का चूज करना है, सॉरी कॉलेज टाइप शुड बी कोएड। अगर किसी को गर्ल्स एसएनडीटी कॉलेज में अप्लाई करना है तो अदरवाइज कोएड। समझो मैंने कंप्यूटर साइंस बायफोकल रखा है और एरिया साउथ मुंबई, ठीक है, बाकी मैंने ऑल ही रखा है। सो स्ट्रीम इंफॉर्मेशन के बारे में देर आर टू कॉलेजेस दैट आर देयर, ये दोनों कॉलेजेस मेरे साउथ मुंबई के हैं, परेल और वडाला। ओके गड़बड़ है, साउथ मुंबई चूज करो, कौन सा चूज करो, एरिया, ठीक है, एरिया वहां चर्च गेट में चूज कर रहा हूँ। सो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस अनएडेड में देर इज नो सीट फॉर कंप्यूटर साइंस, आई जस्ट चेंज दैट टू सेल्फ फाइनेंस का करता हूँ। देर इज एनीथिंग अवेलेबल इन सेल्फ फाइनेंस, इवन दैट इज नॉट अवेलेबल, बट इफ आई डू इट एडेड में अवेलेबल है। एडेड में अगेन देर इज जय हिंद एंड केसी कॉलेज। ओके, if there is any other seats available in this permanently unaided, चलो ऑल ही कर देता हूं, ऑल में भी यही आया। अच्छा, ऑल के बदले मैंने अगर इधर ऑल किया है, सो साउथ मुंबई के सारे कॉलेजेस के नाम आ गए, ठीक है, जिसमें सारे स्टेटस है, एडेड अनएडेड सब के बारे में इंफॉर्मेशन है। ओके, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो एक इंस्ट्रक्शन है, महात्मा फुले टेक हाई स्कूल, दिस जूनियर कॉलेज हैज टेक्निकल ग्रुप बायफोकल सब्जेक्ट्स कंपल्सरी एंड डज नॉट हैव बायोलॉजी सब्जेक्ट, एंड दिस इज अगेन इट्स एन एडेड कॉलेज, 274 सीट्स आर अवेलेबल। ओके, आप एड्रेस वगैरह चेक करके ही बाद में आप चूज करना। साउथ मुंबई, दिस इज परेल, तो इट शुड बी ट्रैवलिंग शुड बी विल बी डिफिकल्ट ओवर हियर। देयर इज कीर्ति कॉलेज, ठीक है, SIS। ओके, सो अच्छा, ये सब इंफॉर्मेशन मैंने अभी आपको दे दिया है, का डिफरेंस आएगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। या सर, इफ आई एम चूजिंग साइंस एंड आई एम चूजिंग द ऑप्शन ऑफ बायफोकल, सो मेरे को कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी में से एक सब्जेक्ट लेना कंपलसरी होगा? आईटी नहीं, आईटी बायफोकल नहीं होता है, आईटी ये सब्जेक्ट चॉइस है, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स ये दो ही होते हैं। उसके अलावा कोई जगह पे स्कूटर रिपेयरिंग, कोई जगह पे मैकेनिकल, ये वाले ब्रांचेस भी मिलते हैं, बट आई विल एडवाइज यू, ये बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट होगा, ठीक है। अगर मैंने बायफोकल नो किया और मेरे को बायो ऑप्शन में डाला है, सो बायफोकल नो करना है ना? हाँ, बायफोकल नो करना है फिर, ठीक है। अगर समझो सी, एज सच यू आर डूइंग टू थिंग्स, बायफोकल में आपको फैसिलिटी क्या मिल रहा है कि आपका दो सब्जेक्ट निकल के आपको एक सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस आता है, विच इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, वन इज 100 मार्क्स प्रैक्टिकल्स एंड 100 मार्क्स थियोरी। प्रैक्टिकल्स के लिए नियरली फुल मार्क्स आते हैं और थियोरी में भी काफी कुछ अच्छा मार्क्स आ ही जाता है। That's the reason people are going for bifocal, क्योंकि overall percentage jump हो जाता है, ठीक है? But उसके लिए आपको extra fees भरना होता है, 25,000 से 30,000 रुपया, ठीक है? आपको practicals भी वहाँ पे attend करना ही पड़ेगा, जैसे biology में करते हैं वैसे ही करना पड़ेगा, आपको college में ही सीखना पड़ेगा,
क्लासेस उसका मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है, उसका क्लासेस मिल भी जाएगा वो उसी लेवल का रहेगा जिस लेवल का कॉलेज है, ठीक है, क्योंकि बाइफोकल के लिए क्लासेस का फीस भी अराउंड 18,000 से 20,000 मिनिमम जाएगा, मिनिमम फीस रहेगा, ठीक है। आईटी सब्जेक्ट भी अगर आप चूज करते हैं, आईटी सब्जेक्ट इज नॉट बाइफोकल, आईटी सब्जेक्ट इज फॉर साइंस एंड कॉमर्स बोथ, ठीक है, ये सब्जेक्ट चॉइस आता है, जैसे मराठी के बदले आईटी, हिंदी के बदले आईटी, मराठी हिंदी के बदले फ्रेंच। अगर आपने नोटिस किया रहेगा, फ्रेंच का आपको नंबर ऑफ कॉलेजेस ज्यादा मिलेंगे, सीट ज्यादा मिलेंगे, आईटी के लिए आपको 40-80 उतना ही सीट्स मिलेगा, ठीक है। तो आईटी सब्जेक्ट मिलना मुश्किल होता है, हाँ, बट आईटी सब्जेक्ट में मार्क्स ज्यादा स्कोर होते हैं, फ्रेंच में 2-3 मार्क्स कम स्कोर होते हैं, ठीक है। तो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए आईटी और फ्रेंच में चॉइस रहेगा, साइंस स्टूडेंट्स के लिए आईटी, फ्रेंच या फिर सब कुछ हटा के कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में चॉइस रहेगा। नेक्स्ट प्लीज। हेलो सर, अगर मैंने फर्स्ट लिस्ट में एचआर एंड केसी डाला और अगर मेरे को केसी में मिला बट एचआर में चाहिए था मेरे को, तो सेकंड लिस्ट तक मैं रुक सकता हूँ? यस, तुम रुक सकते हो, अभी तक उसके बारे में फुल इंस्ट्रक्शन आया नहीं है कि सेकंड लिस्ट का राउंड कैसे कंडक्ट होगा, ठीक है, पर हर साल वो थोड़ा बहुत चेंजेस आता है, पर लास्ट ईयर के हिसाब से बता रहा हूँ, लास्ट ईयर क्या प्रोसीजर था, लास्ट ईयर ना समझो तुम्हारा नाम केसी में आया और तुमको अगर एचआर के लिए ट्राई करना है तो यू कैन गो इन द सेकेंड राउंड, ठीक है, तो तुम्हारा केसी वाला सीट फिर भी सिक्योर्ड रहेगा। तुम सेकेंड राउंड में गए, समझो तुम्हें एचआर मिल गया, तो तुम्हारा केसी का सीट ऑटोमेटिकली निकल गया और वो किसी और को चला गया। अब तुमको एक जंप ही अलाउड है, फर्स्ट लिस्ट से सेकेंड लिस्ट में अलाउड है, सेकेंड से थर्ड लिस्ट में अलाउड है, पर तुम फर्स्ट लिस्ट वाला स्टूडेंट थर्ड लिस्ट तक नहीं रुक सकता, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर का रूल था, तुम्हारा फर्स्ट लिस्ट में केसी आ गया, सेकेंड लिस्ट में एचआर आ गया, तो तुमको एचआर में लेना कंपलसरी है, ठीक है। और समझो एचआर में नहीं आया तो भी तुम्हारा केसी सिक्योर्ड रहेगा। सर, एमएम के कॉलेज में फ्रेंच है? यू नीड टू, वो तुम्हें सर्च में अभी बताया ना, ठीक है। सी, अभी ना हर एक का ये क्वेरीज रहेगा कि सर ये कॉलेजेस में ये फीस कितना है, ये कॉलेजेस स्टेशन से कितना दूर है, इसमें ये पर्टिकुलर सीट अवेलेबल है क्या नहीं है। आपको अभी मैंने उस चीज के लिए ढूंढने के लिए एक तरीका बताया, सर्च ऑप्शन में जाना, वहां पे आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है, रिलेटेड विद नंबर ऑफ सीट्स, रिलेटेड विद फीस, सब इन्फॉर्मेशन वहां पे है। फ्रेंच, फ्रेंच के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगता है किधर भी, ठीक है। फ्रेंच इज अ सब्जेक्ट, लैंग्वेज सब्जेक्ट, उसको आईटी के लिए एक्स्ट्रा फीस लगता है, कंप्यूटर साइंस इनके लिए एक्स्ट्रा फीस लगता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, अगर मेरे को फर्स्ट लिस्ट में जो नाम आया है, हाँ, और मुझे उसी कॉलेज में लेना है, लेकिन मेरे को सेकंड लिस्ट के लिए एक बार ट्राई करना है, तो आपने बोला कि मतलब अगर सेकंड लिस्ट में नाम आया तो फर्स्ट लिस्ट का कैंसिल हो जाएगा, बरोबर? ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो सर फिर मेरे को एडमिशन के लिए टाइम लगेगा ना, कि जैसे अगर सेकंड लिस्ट वाला मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को फर्स्ट लिस्ट में ही चाहिए, तो एडमिशन के लिए मेरे को वेट करना रहेगा, तो कैसे होगा वो? नहीं, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बट आई विल जस्ट क्लेरिफाई वन थिंग। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारा फर्स्ट लिस्ट में नाम आया, तो फर्स्ट लिस्ट में नाम आने के बाद तुमको 4-5 दिन का टाइम मिलेगा, ठीक है, आप तब तक एडमिशन आप सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉब्ली 4-5 दिन ज्यादा ही हो गया, 2 दिन का मे बी टाइम मिलेगा, 2 दिन में आपको एडमिशन सिक्योर करना पड़ेगा, ये भी ऑनलाइन पेमेंट करके ही करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार आपने सिक्योर कर लिया तो आप राउंड से बाहर आ गए, फिर आप कोई भी राउंड में इन्वॉल्व नहीं हो। अच्छा, पर अगर आप सेकेंड राउंड, मतलब, हेलो, हाँ बोलो, मतलब सर जैसे आपने फर्स्ट लिस्ट में हमारा नाम आया, हाँ, तो हमें क्या करने का, मतलब कुछ सिक्योर करना रहेगा कि खाली वेट करना रहेगा सेकंड लिस्ट के लिए? आपको सीधा वेट करना है, तो आप सीधा सेकंड लिस्ट में जाएंगे। ये लास्ट ईयर का प्रोसीजर था, इस साल अगर कुछ चेंजेस हो गया उसके बारे में अभी तक कोई गाइडलाइंस आया नहीं है। ओके, ठीक है, पर अभी लास्ट ईयर ऐसा प्रोसीजर, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ वो सब लास्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी फ्रेंड बोल रही है कि अगर सपोज फर्स्ट लिस्ट में कौन से भी, अगर मैंने एंड्रूज फर्स्ट लिस्ट में डाला और मेरा एंड्रूज में आ गया, बट अगर मेरे को दूसरे कॉलेज में ट्राई करना तो फिर नहीं होएगा, नाम हटा रहे करके राउंड। माइनॉरिटी में ऐसा होता है, माइनॉरिटी में नाम आया है तो लेना कंपलसरी होता है। माइनॉरिटी में नहीं, अगर लाइक अगर ऐसे ही डाला और लाइक सपोज लिस्ट में नाम आया तो फिर हटा रहे दूसरे राउंड के लिए। यस, एडेड और अनएडेड फीस का डिफरेंस है, गवर्नमेंट ग्रांट होता है, ठीक है, फीस का डिफरेंस आता है, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू सर। सर, मैं ये लिंग्विस्टिक में अप्लाई करता हूँ अभी, जो लिस्ट जो अभी चल रहा है, सो इसमें मैंने गुजराती कोटा में 2-3 कॉलेज सिलेक्ट कर लिए है, सो
अगर इसके बाद जो नॉर्मल जो कोटा जो शुरू होने वाला है 28 से, सो उसमें भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ? नॉर्मल कोटा यानी जैसे अदर देन लिंग्विस्टिक जो कास्ट कोटा, कास्ट कोटा, अभी कास्ट कोटा का आई एम नॉट श्योर नहीं किया है, तो आप एक बार ट्राई करिए कि आप एडिट करके वापस कर सकते हैं उसको. बट वी कैन अप्लाई फॉर दिस नॉर्मल जो हम भरते बाकी कॉलेज. यस 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 यू कैन अप्लाई, नॉट अ प्रॉब्लम. ओके सर, थैंक यू सर. या वेलकम. नेक्स्ट क्वेश्चन. हमको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में तीन कॉलेज के साथ में नाम आ सकते हैं? तीन कॉलेज? हाँ, मतलब कैसे हो सकता है? अगर तुमको तीन कॉलेज देंगे तो अपने बाकी पॉपुलेशन को क्या मिलेगा? ऐसा एक साथ नहीं आता है, एक ही कॉलेज तुमको मिलेगा. नेक्स्ट, कॉलेज चालू होने का सी कॉमन स्टूडेंट्स में जरा प्रॉब्लम कम होता है कॉलेज का फर्क. साइंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा फर्क होता है बिकॉज उनको प्रैक्टिकल्स करने पड़ते हैं, तो प्रोबेबली उनकी एग्जाम भी पोस्टपोन हो जाएगी बिकॉज बहुत लेट कॉलेजेस स्टार्ट होंगे. ठीक है, तो उस तरह से सब चीज चलेगा. इस बार तो काफी लेट होने वाला है. नेक्स्ट प्लीज. ऐड उसको मॉडिफाई कर सकते हैं क्या फिर सीक्वेंस वाइज? ये लास्ट ईयर एक ऑप्शन था मॉडिफाई करने का, अभी तक इस साल का कोई इंस्ट्रक्शन आया नहीं है कि आप मॉडिफाई कर सकते हैं. सेकंड राउंड में जाने के बाद आप मॉडिफाई कर सकते हैं, पर आपको मैं इतना इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, आप एक ही बार अच्छा लिस्ट बनाओ, ठीक है, ताकि आप उसको बार बार मॉडिफाई नहीं करना पड़े. इसलिए आप पहले पूरा रिसर्च, वो जो रिसर्च है सर्च कॉलम है ना, पूरा स्टडी करो उसको. आप पूरा कॉलेज है सीट सब कुछ उधर स्टडी करो, फिर आप लिस्ट बनाओ. ठीक है, किसी के कहने पे मत जाओ कि ये मेरे बाजू वाले ने बोला है केसी कॉलेज ज्यादा बेटर है तो केसी ही जाना है, या जय हिंद कॉलेज ज्यादा बेटर जय हिंद जाना. आपका बाजू वाला नहीं डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट मिलने वाला है या क्या फीस रहेगा या क्या डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, वो आपके बच्चे को डिसाइड करना, आपको डिसाइड करना है. इसलिए आपका सर्च बहुत जरूरी है. थैंक यू सर. सिलेक्ट फर्स्ट, इन द फर्स्ट लिस्ट मैंने एनएम ले किया, सेकंड में मैंने एंड्रू सिलेक्ट किया. सपोजिंग फर्स्ट लिस्ट में एनएम आया नहीं, एंड्रूज आ गया, एंड आई एम वेटिंग फॉर द सेकंड लिस्ट. सो सपोजिंग सेकंड लिस्ट में आल्सो आई एम नॉट हैप्पी दैट एनएम मुझे मिला ही नहीं, सो आई कैन आई गो बैक टू एंड्रूज? नहीं, यू कैन गो बैक टू एंड्रूज बिकॉज़ आपको फर्स्ट लिस्ट में एंड्रूज आ गया है. सी, अगर आपको रहेगा ना चॉइस, आपको फर्स्ट लिस्ट में है ना, आई जस्ट एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ दिस. ओके, यू कैन सी द स्क्रीन? या ओके, समझो मैंने यही ऑर्डर डाला है कॉलेज का, अज्यूम यही मेरा ऑर्डर है. ठीक है, आपको एनएम कॉलेज पहले आ गया, आपको चाहिए कि आपको जय हिंद केसी या एचआर के लिए ट्राई करना है, तो आपको फर्स्ट लिस्ट में एनएम आ गया. आप आगे के राउंड में चले गए, तो आपको अगर आगे के राउंड में अगर जय हिंद आ गया तो आपका एनएम ऑटोमेटिकली निकल गया. फर्स्ट राउंड का एनएम ऑटोमेटिकली निकल गया, वो किसी और स्टूडेंट को मिल गया. आपका सीट खाली होके किसी और स्टूडेंट को मिल गया और आपको जय हिंद में लेना कंपलसरी है. आप वापस एनएम में नहीं जा सकते, आप सिर्फ जय हिंद में जा सकते हैं, और आप जय हिंद के बाद वापस और ऊपर नहीं जा सकते. ये जय हिंद लास्ट ऑप्शन रहेगा, आपको इधर चूज करना जरूरी है. अच्छा, अगर एनएम के बदले नीचे, सपोजिंग ये आपका पोता आ गया, नीचे वाला नहीं चेक होता, ऊपर वाला चेक होता है. ऊपर अच्छा, मतलब इसलिए मैंने कहा टॉप टू बॉटम लिस्ट शुड बी करेक्ट. आपका एक बार मिठीबाई आ गया, आप वापस नीचे सिडनम, एमएनके, हिंदुजा ये कॉलेजेस का नहीं कर सकते आप चॉइस. ठीक है, नहीं सपोजिंग सेकंड लिस्ट में मेरा आया है, सपोजिंग आई एम वेटिंग फॉर एनएम एंड एनएम सेकंड लिस्ट में भी नहीं आता है, सो कैन आई गो बैक टू द प्रीवियस वन? यस, तभी आप वापस मिठीबाई में जा सकते हैं. जा सकते ना? यस यस, मतलब आपका प्रीवियस कॉलेज का नाम जिसमें आया था वो सिक्योर्ड रहेगा. सिक्योर्ड रहेगा, हाँ वही मुझे पूछना था. ठीक है, ओके, अब मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ. सी, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हु आर यूजिंग दिस ऑनलाइन सिस्टम एज वेल एज गोइंग फॉर दिस कॉलेज एडमिशन. आफ्टर दिस कॉलेज एडमिशन इज ओवर ना, मेनी ऑफ द पेरेंट्स कम विद द कॉन्सेप्ट, अरे मेरे बच्चे ने ठीक से पढ़ लिया होता तो उसको इतना दिक्कत नहीं होता. मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, फर्स्ट राउंड में आप लोग इतने हाइपर होते पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, मेरा फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, मेरे फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, दे गेट सो फ्रस्ट्रेटेड, सो हाइपर. प्लीज डू रिमेम्बर, फर्स्ट लिस्ट में नाम बहुत कम बच्चों का आता है. जो मेन एडमिशन स्टार्ट होता है वो सेकेंड लिस्ट से स्टार्ट होता है. सेकेंड लिस्ट में नियरली सब स्टूडेंट्स के नाम आ जाते हैं. ठीक है, सो आप प्लीज हाइपर मत होना. फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया तो आप बच्चे को टॉर्चर मत करो, या फिर बच्चा खुद अपना अननेसेसरी सोचना नहीं चालू करे, मैंने 2 मार्क के लिए एक्स्ट्रा पढ़ा होता, 3 मार्क के लिए एक्स्ट्रा पढ़ा था, उसको मिल गया मेरे को नहीं मिला. ठीक है, अब ये सब सी चीजें मत सोचो, यू जस्ट वेट फॉर द सेकेंड लिस्ट.
आपका एडमिशन 100% होने वाला है, ठीक है। मे बी एचआर नहीं तो जय हिंद होएगा, मे बी जय हिंद नहीं तो केसी होगा, ठीक है, या केसी नहीं तो कोई दूसरा कॉलेज नियर बाय हो जाएगा, पर एडमिशन होगा। बिना एडमिशन का कोई स्टूडेंट रहता नहीं है, ठीक है। मेरा बच्चा पढ़ेगा ही नहीं क्या 11th स्टैंडर्ड, ऐसा प्लीज क्वेश्चंस मत पूछना। लास्ट राउंड रखते किस चीज के लिए, ताकि अगर कोई बच्चा रह गया हो बिना एडमिशन का, उसको 35% मार्क्स भी हो, उसका एडमिशन नहीं हुआ है तो उसका भी एडमिशन होना चाहिए। दैट इज द रीजन लास्ट राउंड रखा जाता है, जिसमें जिधर भी जो भी सीट खाली है उसको वो सीट मिल जाता है। अगर कॉमर्स चूज कर रहे हो तो डिग्री कॉलेज, साइंस चूज कर रहे हो तो डिग्री नहीं मिलोगे, जूनियर कॉलेज रहेगा, चलेगा। बट एक और एक चीज इंफॉर्मेशन साइंस स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ। अज्यूम करो आपने आई सपोज फ्रांसिस में डिग्री नहीं है, आपने फ्रांसिस कॉलेज चूज किया, ठीक है, 11th 12th किया, फिर आपको डिग्री है, समझो आपको इंजीनियरिंग भी नहीं करना है, आपको मेडिकल भी नहीं करना है, आपका नहीं है मन अभी मेडिकल या इंजीनियरिंग करने का। आपने जब कॉलेज 11th 12th ज्वाइन किया था तभी आपका मन में था कि आपको मेडिकल या इंजीनियरिंग करना है, फिर 12th के बाद आपका मन चेंज हो गया और आपने सोचा आप मैं केसी में जा रहा हूँ, तो उसमें इन हाउस कोटा का इशू आ जाता है, क्योंकि केसी के जो खुद के स्टूडेंट्स हैं वो लोग सारे सीट्स ग्रैब कर लेते हैं, तो जो साइंस वाला स्टूडेंट है वो वापस उधर जाने में दिक्कत आता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इफ अ चाइल्ड इज चूजिंग केसी कॉलेज ओवर जय हिंद कॉलेज, केसी कॉलेज इज वेरी गुड फॉर बायो रिलेटेड सब्जेक्ट, ठीक है, एंड जय हिंद कॉलेज इज ओके फॉर एवरीथिंग, मतलब वो नॉर्मल कॉलेज है, ठीक है। सो इफ यू आर चूजिंग की अगर आपको मेडिकल नहीं तो आपको बीएससी करना है, दिस इज फॉर साइंस स्टूडेंट्स, आपको मेडिकल नहीं, अगर आपको ऑप्शन मेडिकल के अलावा सेकेंड ऑप्शन आपको बीएससी बायोलॉजी चूज करना है, तो यू शुड बी थिंकिंग अबाउट केसी फर्स्ट रादर देन जय, ठीक है। सो केसी एंड जय में एक ही चीज का डिफरेंस बता रहा हूँ साइंस स्टूडेंट्स के लिए, जय में अटेंडेंस का कोई इशू नहीं है, केसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है अटेंडेंस रिलेटेड, सो इट्स नॉट दैट मच इशू बट थोड़ा प्रॉब्लम होता है। दिस इज फॉर साइंस स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शन। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एक सिंपल इंस्ट्रक्शन है, ट्राई टू चूज अ डिग्री कॉलेज, कॉलेज जहां पे डिग्री तक कॉमर्स कंडक्ट होता है, 12th के बाद स्टॉप नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ जूनियर कॉलेजेस नहीं, जैसे आई सपोज पोद्दार महिंदर वेस्ट का, नाजरेत महिंदर वेस्ट का, दीज आर ऑल जूनियर कॉलेजेस, सो ट्राई थिंक अबाउट इट कि ये जूनियर कॉलेज नहीं चूज करो, ठीक है। यस सर, आईटी में से कौन सा प्रेफरेबल रहेगा? सी दैट कॉल इज योर्स, ठीक है। आईटी हर जगह पे मिलेगा भी नहीं, ये भी बता रहा हूँ, क्योंकि सीट ज्यादा नहीं होते, 40 उतना सीट होता है। फ्रेंच का नियरली इक्विवेलेंट मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। तो रिगार्डिंग एग्रीगेट, रिगार्डिंग इफ यू आर ट्राइंग फॉर इंजीनियरिंग, आईटी कैन बी अ गुड ऑप्शन, बट इफ यू आर नॉट ट्राइंग फॉर इंजीनियरिंग और नॉट स्पेसिफिक अबाउट इट, इफ यू आर गुड स्टूडेंट, तुम पढ़ते हो तुमको तुम्हारे पीसीएम मार्क्स पे पीसीबी मार्क्स पे भरोसा है, तुम पढ़ने वाले हो, तो ये आईटी लो या फ्रेंच लो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। कभी कभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए आईटी सब्जेक्ट थोड़ा मैटर कर सकता है, क्योंकि इसके मार्क्स कभी कभार ऐड हो जाते हैं, ठीक है। बट ऐसा अगर तुम पढ़ने वाले हो तो तुम फ्रेंच लोगे, फ्रेंच आगे जाके हेल्प करेगा, इतना गारंटी मैं बताता हूँ, इन फ्यूचर हेल्प करता है फ्रेंच, कभी ना कभी तो हेल्प होगा। थैंक यू सर। सो स्टिल दैट कंफ्यूजन एंड दैट कॉल इज इंडिविजुअल कॉल, आई कैनॉट गाइड एवरीवन, प्लीज टेक फ्रेंच, आई कैनॉट डू दैट। हाँ, इफ यू आस्क मी अबाउट कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, आई कैन डायरेक्टली टेल यू कंप्यूटर साइंस इज अ बेटर ऑप्शन देन इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, बट अबाउट फ्रेंच और आईटी कॉल इज योर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सम स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू स्किप मैथमेटिक्स एंड गो फॉर बायोलॉजी, ये मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स इस साल मैंने नोटिस किया है, बट प्लीज हैव दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इज योर कॉलेज गोइंग टू अलाउ दैट? तुमने घर में बैठ के डिसाइड कर लिया मैं तो बायोलॉजी स्किप करने वाला हूँ, सॉरी मैथ स्किप करने वाला हूँ, मैं बायोलॉजी ले रहा हूँ, बायोलॉजी स्किप करके आप दूसरा सब्जेक्ट जा सकते हैं। कभी कभार कोई कॉलेज आईटी प्रोवाइड करता है, बायोलॉजी स्किप करके आपको दूसरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करता है, बट मैथ स्किप करके आपको अलाउ करेगा क्या? नहीं, वो ज्यादा कॉलेजेस देते हैं क्या? नहीं, जैसे एंड्रूज कॉलेज अलाउज इट, मैथ स्किप करके आपको बायोलॉजी वगैरह अलाउ कर दूसरा सब्जेक्ट अलाउ करेगा, बट वो बायोलॉजी स्किप करके दूसरा अलाउ नहीं करेगा। वैसे ही सर्टन अदर कॉलेजेस अलाउज टू स्किप सर्टन सब्जेक्ट्स, सो यू हैव टू थिंक बिफोर डूइंग ऑल दैट, ठीक है। इवन कॉमर्स में ऐसे ऑप्शंस है, ओसी के निकाल के ऑफिस मैनेजमेंट, ठीक है, अभी मैंने लिस्ट बताया था आपको, लिस्ट में सब्जेक्ट ऑप्शंस दिखेंगे। समझो आपने साइंस सिलेक्ट किया और आपको साइंस में इकोनॉमिक्स दिख रहा है, साइंस के ऑप्शन में इकोनॉमिक्स दिख रहा है, मींस
आप बायोलॉजी हटा के इकोनॉमिक्स ले सकते ठीक है, बट आप बायोलॉजी हटा के आप सोचेंगे एक काम करता हूं मैं मैथ्स हटा के मैं साइकोलॉजी लेता हूं, उस कॉलेज में साइकोलॉजी सब्जेक्ट ही नहीं है, तो आप प्लीज ऐसे गलत थॉट रख के मत ज्वाइन करना ठीक है। यू हैव टू डू सम लिटिल रिसर्च ऑन दैट, इसलिए वो सर्च ऑप्शन बराबर से यूज करो, आपका सब क्वेश्चन का आंसर उधर ही आएगा। आपको किसी को कॉल करके पूछने का जरूरत नहीं है कि किसी का स्टूडेंट को कॉल किया पूछा अरे तेरे को ये सब्जेक्ट ऑप्शन मिलेगा क्या नहीं मिलेगा क्या, वो करने का जरूरत नहीं, आप सर्च में सर्च मिलेगा आपको सब कुछ उधर इन्फॉर्मेशन पूरा है। नेक्स्ट